बिहार में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर परिचालन बाधित हो गया है। जी हाँ, समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड के हायाघाट थालावर स्टेशन के बीच बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ जाने के कारण रेल परिचालन रोक दिया गया है, जिस वजह से यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर डीआरएम अशोक माहेश्वरी के निर्देश पर रेल प्रशासन ने समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर रेल यातायात अगले आदेश तक के लिए रोकने का फैसला किया। ये हमारे हायाघाट के पास जो बागमती नदी पे पुल है 16 नंबर, इस पे पानी की जो पिलर डूब गया है हमारा और डेंजर लेवल के काफ़ी ऊपर पानी बह रहा है, ऑलमोस्ट गर्डर को छू रहा है, इसलिए हम लोग परिचालन को बंद कर दिए हैं अभी। और हमारा टीम वहाँ बैठा हुआ है, कल शाम में हम लोगों की पूरी मंडल की टीम ने उसको पार भी किया था, उसको देखा भी था और AN साहब हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, जैसे पानी की जो सूचना मिलेगी उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये पूरा रूट ही बंद है, ये समस्तीपुर दरभंगा का पूरा रूट ही बंद है और क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन होने के कारण एक पुल जो है वो उस पर पानी चढ़ गर्डर को छू रहा है, तो हमने सारी ट्रेन जो इस रूट की सारी को डाइवर्ट कर दिया है। जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उसे हम मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होकर लेके जा रहे हैं और जो पैसेंजर्स ट्रेन्स हैं कई सारे उसको हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं समस्तीपुर में या उसको दरभंगा टर्मिनेट कर रहे हैं और उसके बाद हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही पानी का देखते हैं हम लोग बहाव उसके बाद हम लोग आगे रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। कुछ ट्रेनें रद्द भी की? हाँ, कई सारे हमारे ट्रेन में रद्द भी हैं, उसकी सूची हम लोगों ने जारी कर दिया है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के बंद होने के कारण कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है तो कईयों का आंशिक रूप से समापन किया गया है तो वहीं कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई है। अब सबसे पहले जानिए कि किन ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। 12,565 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, 17,006 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस, 14,649 जयनगर अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस, 13,165 13,166 सीतामढ़ी कोलकाता मिथिलांचल एक्सप्रेस, 15,560 अहमदाबाद दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस, दरभंगा लोकमान्य तिलक टर्मिनल पवन एक्सप्रेस। ये सभी ट्रेनों को अपने निर्धारित मार्ग की जगह पर परिवर्तित मार्ग दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर से होकर चलाया जाएगा। अब जान लीजिए कि जिन ट्रेनों का आंशिक समापन हुआ है, मतलब जो अपने निर्धारित स्टेशन तक ना जाकर बीच में ही किसी स्टेशन पर रोक दी जाएगी, इसमें 13,185 सियालदा जयनगर गंगा सागर एक्सप्रेस जो समस्तीपुर में रुकेगी, 18,605 रांची जयनगर एक्सप्रेस बरौनी में रुकेगी, 12,570 आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस बरौनी में रोक दी जाएगी, 13,135 कोलकाता जयनगर एक्सप्रेस समस्तीपुर में रोक दी जाएगी, 15,283 मनिहारी जयनगर जानकी एक्सप्रेस बरौनी में रोक दी जाएगी, 53,041 हावड़ा जयनगर सवारी गाड़ी बरौनी में रोक दी जाएगी, 55,227 जयनगर पटना सवारी गाड़ी दरभंगा में रोक दी जाएगी। वहीं जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उनमें 75,225 समस्तीपुर रक्सौल सवारी गाड़ी, 75,207 समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सवारी गाड़ी, 75,282 दरभंगा समस्तीपुर सवारी गाड़ी, 25,910 दरभंगा डिब्रूगढ़ जीवछ लिंक एक्सप्रेस, 15,284 जयनगर मनिहारी जानकी एक्सप्रेस, 15,549 और 15,550 जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। रेल अधिकारियों की टीम इस पर लगातार नजर बनाए हुए है लेकिन ट्रेन परिचालन के बाधित होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि जब तक बाढ़ का पानी घटता नहीं है तब तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, बिहार तक।